हेलो स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा होगा अब आप लोगों को। 30-30 मिनट के वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस देखिए, हमने पार्ट पार्ट में आप लोगों के लिए दे दिया। प्रोबेबिलिटी क्लास वन लेक्चर वन आप लोगों ने पढ़ा, एक्सपेरिमेंट ट्रायल, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, सैम्पल इवेंट, देन सैम्पल स्पेस। क्लास टू लेक्चर टू में हम लोग आए, पूरा कनेक्टेड हमने हर तरह के सैम्पल स्पेस आपको कार्ड्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में सब क्लियर कर दिया। और वहीं से कनेक्टेड एकदम मैं जो है अब आपके सामने क्लास थ्री लेक्चर थ्री चालू करने वाला हूँ। और जो लोग अभी भी अगर हमारा पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो दोनों लेक्चर्स को देख लेंगे, उसके बाद यहाँ से अब आपको सारा कार्यक्रम क्लियर होने लगेगा, सब क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे, क्योंकि अब हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट क्लास थ्री लेक्चर थ्री। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए आ गया वही बात मैं जो बार बार कह रहा था, प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं इवेंट की। तो अब आप क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं एकदम एग्जैक्टली, यानी क्वेश्चन अब लगाने जा रहे हैं आप। ध्यान दीजिएगा, आपके सारे एनसीईआरटी आरडी क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे अब। प्रोबेबिलिटी जिस चैप्टर के लिए आप आए हैं, जो चैप्टर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, देखिए उसमें प्रोबेबिलिटी हम लोग किसकी निकालते हैं, इवेंट की। इवेंट मतलब जिसको देख लिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाई पीई। किससे डिनोट करते हैं, पीई। पी माने प्रोबेबिलिटी, ई माने इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाई पीई एंड इट इज कैलकुलेटेड बाई फॉर्मूला पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जरा ध्यान दीजिएगा यार, दो फॉर्मूले पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिस घटना की प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं, यानी जो हम देख लेंगे उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं उसको पीई से डिनोट करते हैं, और पीई को निकालने का फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन टोटल। क्या फॉर्मूला है, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जरा नीचे की लाइन को मिलाइएगा और इस लाइन को मिलाइएगा, अब आपको पता चल गया होगा कि मैं बार बार काहे जोर दे रहा था, इसको मैं राउंड कर रहा था, इसको स्टार लगा रहा था। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस कहते हैं, जो आपको पहले से जानकारी है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स नीचे है, यानी नीचे सैंपल स्पेस है, और जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में नीचे जो है वो सैंपल स्पेस है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में नीचे जो है आपका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस नीचे है। तो सैंपल स्पेस तो हमको पता ही है, एक क्वाइन टॉस किया एक बार हमने, दो यानी नीचे टू हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा, सैंपल स्पेस आपको पहले से पता है, जैसे क्वेश्चन चालू हुआ, A coin is tossed once, नीचे टू है। A coin is tossed twice, two times simultaneously, नीचे फोर हो गया। Three coins are tossed simultaneously, नीचे एट हो गया। एक डाइस को हमने थ्रो किया एक बार, नीचे सिक्स हो गया। दो डाइस एक साथ थ्रो किया, नीचे 36 हो गया। तो नीचे वाला तो पहले से ही पता है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में, जिस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से हमको क्वेश्चन लगाना है, उस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए कि आपको नीचे जो है वो पहले से ही जानकारी है, यानी उसके लिए तो कोई गेम ही नहीं है। नीचे वाला आपको पहले से ही पता है, तो फिर चैप्टर किस चीज के लिए चल रहा है, चैप्टर आपका फेवरेबल के लिए चलेगा। ये जो आपका फेवरेबल है, फेवरेबल, यही तो स्टूडेंट्स तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या देखा जमीन पे, जो फेवरेबल ऊपर होगा। कितना आसान चैप्टर हो गया, अब आप खुद बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं,
हमने एक कॉइन को एक बार टॉस किया, जमीन पे गिरा और हमने देखा तो हेड आ गया, देख लिया हेड, हेड आ गया। अच्छा, देखना इवेंट हो गया, और हेड जब गिरेगा तो वो एक ही बार गिरेगा, 1/2 आंसर हो गया, तो आंसर आ गया। एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया, जमीन पे गिरा, टेल आ गया, टेल, अच्छा टेल आया है, टेल मतलब एक ही बार आएगा, और नीचे तो पहले से फिक्स है 1/2। चलिए, दो कॉइन हम एक साथ टॉस करते हैं, दो कॉइन टॉस किया, जमीन पे गिरा। अब जैसे ही जमीन पे गिरने वाला है, पहले से हमको पता है कि दो कॉइन हमने टॉस किया तो नीचे फोर होगा। अच्छा, वो फोर आउटकम्स कौन कौन से होंगे? HS हो सकते हैं, ST, TH, TT, मतलब आपके चार आउटकम्स में से कोई भी एक आउटकम आपके सामने गिर सकता है। दो कॉइन को आपने एक साथ टॉस किया, पॉसिबिलिटीज चार आउटकम्स में से किसी एक की है, कौन कौन से? HH, TT, ST, TH, यानी नीचे तो फिक्स है कि आपका फोर हो गया। अब हमने कॉइन टॉस किया, जमीन पे गिरा, और आपसे पूछ रहा है एग्जैक्टली टू हेड्स प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। अरे एग्जैक्टली टू हेड का मतलब दोनों पे HH, वो तो एक ही बार गिरेगा, यानी 1/4। चलिए, कुछ क्वेश्चंस एकदम प्रैक्टिकली हम लोग सामने देखते हैं, बड़ा मजा आएगा और एकदम आराम से आप कर सकते हैं इसके, कोई भी अब आपको दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला हमने आपके सामने लिख ही दिया है और आपको पहले से बता दिया है, नीचे सैंपल स्पेस आपको मालूम है, जो क्वेश्चन होगा बस हम लोगों को फेवरेबल की तरफ ध्यान देना है। चलिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, अ सिंगल डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को फेंका गया। अच्छा, जैसे ही एक बार फेंका गया तो आपको मालूम है कि उसके जो सैंपल स्पेस होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 में से होंगे। ये सैंपल स्पेस आपको क्लियर है, ये आपका सैंपल स्पेस है। चलिए, आपसे कहा गया अ सिंगल डाई इज थ्रोन वंस, इतने से आपको पता चल गया कि एक डाई अगर एक बार फेंकी गई है तो 6 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटीज है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अ सिंगल डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका गया और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए, टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 6 है। अब मैं बार बार आपसे कह रहा था कि फेवरेबल आपके क्वेश्चन में पूछेगा, तो देखिए क्वेश्चन फाइंड लिखा है, फाइंड का मतलब यही तो पता लगाना है। क्या पता लगाना है भैया? इवन नंबर, इवन नंबर हमारा फेवरेबल है, तो फेवरेबल इवन नंबर है, तो बताइए आपका फेवरेबल में, आपके इवन नंबर में कौन कौन सा हो सकता है? 2, 4, 6, ये आपको फेवरेबल को हम F मान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यही है, एकदम इजी फॉर्मूला। देखिए, फेवरेबल में अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, 3, यानी इसके 3 आउटकम्स फेवरेबल हो गए। सैंपल स्पेस आपके 6 है, फेवरेबल में 3 लिखा, नीचे 6 लिखा, कट कर दिया, 1/2 इज योर आंसर, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए, आई थिंक सो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपके प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, फेवरेबल अपॉन सैंपल स्पेस होता है, फेवरेबल क्वेश्चन में पूछेगा और नीचे पहले से हमको क्लियर रहेगा कि सैंपल स्पेस क्या है, ठीक है। जिनके बारे में आपको जानकारी है, क्वाइंस हो चाहे डाइस हो चाहे आपका कार्ड्स का केस हो, तो ये आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका तरीका है। आप एग्जाम में जाएंगे, पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को अप्लाई करके उसमें जो है अपॉन करके कट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग और थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं, अच्छा मतलब कि थोड़ा मज़ेदार होना चाहिए यार, थोड़ा और अच्छे लेवल पे होना चाहिए। चलिए,
हम तुमसे कह रहे हैं कि अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अच्छा, इतने को ही अगर हम केवल लिखते हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल मैं कोई लिख रहा हूं, एक दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बताइए केवल अगर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, केवल इतना ही लिख रहे हैं, तो इतने से तो पता चल गया कि नीचे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में फोर होगा। क्वाइन को दो बार टॉस किया गया है, दो बार टॉस करने का मतलब हमको सैंपल से पता है फोर है, ठीक है। चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एग्जैक्टली टू हेड्स, सेकेंड एटलीस्ट वन हेड, थर्ड एटमोस्ट वन हेड, नो हेड नो टेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त एकदम, 9-10 के बच्चों के स्कूलिंग एग्जाम्स में आता ही है इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, जैसे मैं ये क्वाइन को दो बार टॉस कर रहा हूँ, वैसे आप तीन टॉस पे भी ले जाएंगे तब भी आपके काफ़ी सिमिलरली क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। एक क्वाइन को दो बार टॉस किया गया, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली टू हेड्स की। एक क्वाइन को दो बार टॉस किया गया, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, केवल आपको समझाऊंगा, बाकी आप पैटर्न लिखने का खुद ही कर ले जाएंगे, क्योंकि मेन तो समझना ही है। चलिए, एक क्वाइन को अगर हम दो बार टॉस किए हैं, तो आपको पता है कि एक क्वाइन को अगर आपने दो बार टॉस किया है तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा, टॉस ट्वाइस का जो सैंपल स्पेस होगा वो आपका चार होगा, HH, TT, HT और TH। देख रहे होंगे आप लोग, अगर क्वाइन को दो बार टॉस किया गया है तो उसके टोटल सैंपल स्पेस आपके चार है। टोटल सैंपल स्पेस चार कौन कौन से हैं? HH, TT, HT, TH। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली टू हेड वाला बता दो यार। एग्जैक्टली टू हेड का मतलब जब दो क्वाइन अगर टॉस किए गए हैं, एक साथ जमीन पे गिरे और दोनों पे हेड आए, तो दोनों पे हेड तो एक ही बार आएगा। देखिए यही वाला है, यही हमारा फेवरेबल है, और टोटल तो आपको पहले से पता ही है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर कितना हो गया, 1/4, क्योंकि एग्जैक्टली टू हेड जो आएगा वो फेवरेबल यही होगा, एक सिंगल, और टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो चार हैं, वो तो आपको पहले से ही पता है, तो 1/4 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट वन हेड, बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे एटलीस्ट में एटमोस्ट में, एकदम जबरदस्त मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। एक वर्ड है आपका एटलीस्ट, इसको और करके मालूम है आप लोग क्या कहते हैं, मिनिमम भी। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कम से कम, क्या कहते हैं, कम से कम। चलिए इसको पहले समझते हैं हम लोग क्या है, एटलीस्ट और मिनिमम। अच्छा, एटलीस्ट और मिनिमम दोनों का मतलब एक ही होता है, उसकी हिंदी होती है कम से कम, मिनिमम। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम लोगों को यहां पे कम से कम 5 रुपया दुर्गा पूजा का चंदा देना है। फिर से क्वेश्चन समझो कि तुम लोगों को यहां पर कम से कम 5 रुपया, मिनिमम 5 रुपीज दुर्गा पूजा में डोनेट करना है, कम से कम 5 रुपया दुर्गा पूजा का चंदा देना है। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम 5 देना है। अच्छा, देने वाले तो 10 भी देंगे, 20 भी देंगे, 1,000 भी देंगे, 1,00,000 भी देंगे, 1 करोड़ भी देंगे, 2-4-5 करोड़ भी दे सकते हैं। मिनिमम फाइव का मतलब कि कम से कम 5 रुपया डोनेट करने का मतलब हुआ कि 5 से कम नहीं लिया जाएगा। एकदम क्लियर है, कम से कम 5, सबसे छोटा तो 5 ही है यार, कम से कम 5 मतलब मिनिमम फाइव का मतलब 5 रुपया या 5 से ऊपर चले जाओ, 5 रुपीज डोनेट करो या 5 रुपीज से ऊपर चलो, यानी 5 से नीचे नहीं जाएंगे। तो इसलिए इस एटलीस्ट और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, इसमें हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं,
और जहां तक मैक्सिमम लिमिट होगी वहीं तक जाएंगे, मतलब एटलीस्ट कम एटलीस्ट या मिनिमम का मतलब कम से कम का मतलब इसमें हम आप वहां से चालू करेंगे और ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, लेकिन उतना जहां तक हमारी लिमिट है मैक्सिमम, जहां तक हमारी औकात है, जहां तक क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आपसे कहता है कम से कम एक हेड चाहिए आपको, कम से कम एक हेड चाहिए। फिर आइए हमारे क्वेश्चन पे, कम से कम 5 रुपए डोनेट करना है तो 5 या 5 से ज्यादा, कम से कम एक हेड यानी एक हेड या एक हेड से ज्यादा। तो चलिए एक हेड वाला तो हमको ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, और एक हेड से ज्यादा वाला ये दिखाई दे रहा है, तो एक हेड से ज्यादा तो मैक्सिमम 2 ही हेड हो सकते हैं, 3 हेड तो कभी नहीं होगा क्योंकि कॉइन को 2 ही बार टॉस किया गया है, तो यानी हमारी औकात आखिरी तक कहां पर है, 2 हेड मैक्सिमम। तो कम से कम एक हेड का मतलब हुआ कि आपका ये TH भी चलेगा, ST भी चलेगा, HH भी चलेगा, क्योंकि आपका एक या एक से ज्यादा हेड की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये एक हेड वाला और ये 2 हेड वाला तीनों चलेगा, इसका मतलब कि आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम इज देयर, एकदम आसान हो गया। देखिए चैप्टर कितना आसान हो रहा है, कम से कम एक हेड, एटलीस्ट से लोग घबराते हैं जब कुछ नहीं है, देखिए एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया कम से कम एक हेड यानी एक या एक से ज्यादा, तो एक या एक से ज्यादा में आपके 3 फेवरेबल है और टोटल तो नीचे पहले से फिक्स है आपका। डिनोमिनेटर के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, वो तो पहले से फिक्स है, 3/4 हो गया। अच्छा अब एटमोस्ट पे आते हैं, अब एक वर्ड आता है एटमोस्ट, चलिए अभी मैं फिलहाल इसको रब कर दे रहा हूं, आगे देखते हैं। एटमोस्ट, एटमोस्ट और इसको हम लोग मैक्सिमम कहते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट इसको और करके हम लोग मैक्सिमम कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन फिर दूसरा पूछ रहा हूं, तुमको यहां पे मैक्सिमम 5 रुपीज डोनेट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम 5 यार, मैक्सिमम 5, 5 से ज्यादा लेंगे ही नहीं, 6 नहीं लेंगे फेंक देंगे, 10 नहीं लेंगे फेंक देंगे, 5 मैक्सिमम है। अच्छा 5 मैक्सिमम है तो उससे नीचे तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, 4 एक्सेप्ट करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे, मत दो। डोनेशन लेने के लिए जब जाते हैं छोटे छोटे बच्चे तो उनको कई लोग लौटा भी देते हैं, कहते हैं भैया आपको 5 रुपीज डोनेट कर दीजिए, तो कहता है ही नहीं बेटा बाद में देख लेंगे, यानी 0 वाला भी है शामिल उसमें, याद रखिएगा इस बात को, एटमोस्ट में केस ऑफ 0 इज आल्सो इंक्लूडेड। एटमोस्ट यानी एटमोस्ट और मैक्सिमम के केस में 0 का केस भी शामिल है। अगर हम कह रहे हैं एटमोस्ट मैक्सिमम 1 हेड, तो मैक्सिमम 1 हेड का मतलब क्या हुआ, एक हेड वाला तो चलेगा ही चलेगा, एक से कम हेड वाला भी चलेगा। अच्छा कम, एक से कम हेड वाले में क्या आएगा, 0 हेड, जिसमें हेड ही ना हो तो टेल हो, तो टेल वाला चलेगा। अच्छा मैक्सिमम 5 रुपीज डोनेट करना है, यानी 5 या 4 या 3 या 2 या 1 या मत दो, 0 0 भी एक्सेप्ट होगा। तो चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। मैक्सिमम 1 हेड में कौन कौन सा हो गया, एक हेड ये हो गया, एक हेड ये, दो एक एक हेड हुआ यहाँ पे। देखिए एटमोस्ट मैक्सिमम 1 हेड का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम 1 हेड, 1 से नीचे हेड वाला भी चलेगा, 1 2 इसमें एक हेड है, अच्छा 9 हेड वाला भी चलेगा यानी TT, इसका मतलब इसका आंसर भी हो गया 3/4। समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर, बहुत इजी। देखिए एक हमने क्वेश्चन लिखा था नो हेड, हेड नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, 1/4। नो टेल, टेल नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, 1/4, वेरी इजीली। टू बी कंटिन्यूड स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी Lecture 3 मैं अब यहीं फिनिश कर रहा हूँ। होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसको खूब शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये 4th लेक्चर होगा अब वो बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग आ रहा है, क्रिएटिविटी को फॉलो करते हुए बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में ला रहा हूँ,
और वो वीडियो आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देगा। मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, सिंगल ट्रिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिनिश, सिंगल ट्रिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिनिश। 12th अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स नियर है, जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, केवल 10 मिनट का वीडियो रहेगा। सो कमिंग सून, सिंगल ट्रिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिनिश, और हमारे यूट्यूब के चैनल SBD ट्रिक्स ट्यूटोरियल, फिर मैं कहूँगा उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।